الصلاة خير من النوم. बेशक मेरे रब नमाज नींद से बेहतर है। फातिमा डरा दिया तुमने मुझे। और बाय द वे ये तुम आधी रात को चुड़ैलों की तरह यहाँ क्या भटकती फिर रही हो? डराया मैंने नहीं, तुमने मुझे डराया। और ये आधी रात नहीं, फजर की नमाज का वक्त। लोग इस वक्त सोते नहीं बल्कि फजर की नमाज के लिए जागते हैं। अच्छा अच्छा, बस यार मुझे इस वक्त तुम्हारी ये लेक्चर नहीं सुनना। मैं लेक्चर की बात नहीं है, इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी इसलाह की फिक्र भी करता है। क्या कहा तुमने? मोहब्बत? नहीं, वो तुम मेरे कजन हो, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं जो तुमसे नफरत करूं इसलिए समझाती हूँ। क्या कहा तुमने? फातिमा बीबी आप बहुत अच्छी हैं, रोजाना सुबह मेरे कामों में मेरी मदद कराने आ जाती हैं। और एक अनीका बीबी हैं जिनको इत्तेफाकन मेरा कोई काम करना पड़ जाए तो समझो मेरी तो शामत ही आ जाती है। हर किसी का अपना मिजाज होता है शाहीन। फातिमा बीबी, अनीका बीबी जैसी बदमिजाज इंसान मैंने तो आज तक नहीं देखी। इस तरह नहीं कहते शाहीन, गीबत करना गुनाह है। बीबी जी इसमें गीबत कैसी, जो सच है वही बोल रही हूँ। ठीक है तुम सच कह रही हो लेकिन ये गीबत है। अगर तुम झूठ बोल रही होती तो ये इल्ज़ाम या बहतान होता। किसी की गैर मौजूदगी में उसकी वो बातें बयान करना, अगर वो शख्स मौजूद होता तो उसे बुरा लगता, उसे ही हिम्मत कहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हो फातिमा। टाइम ही मैंने आपकी बगैर चीनी वाली चाय बना दी है।
अच्छा जीती रहो, खुश रहो बेटा। तुम तो मेरी हर चीज इतनी जिम्मेदारी से करती हो, और एक वो अनिका है। अब ताई मी, ताई अब्बू कहाँ हैं? हाँ बेटा उठ गए, बस तैयारी कर रहे हैं नीचे आने की। भाई क्या करते हो तुम लोग, नाश्ता नहीं बनाया अभी तक, इतनी भूख लग रही है मुझे, क्या करती हो तुम लोग? अब सुल्ताना, भाभी जान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम नाश्ते की फिक्र छोड़ो, ये बताओ कि अनिका उठ गई कि नहीं? ओ, अनिका तो बहुत देर की जाग गई भाभी, मैं देख लेती हूँ, बुला लाती हूँ ना, नाश्ते के लिए देर ना हो जाए आप लोगों को। चलो बेटा फिर नाश्ता लगवा लो जल्दी से। ठीक है। लड़के की कमरे की हालत तो देखो, कैसा मैदानी जंग बनाया हुआ है। अनिका उठो, कि क्या तरीका है सोने का, उठ जाओ। क्या हूं, उठो ना। मैं सोने देना, क्यों सुबह सुबह उठा रही है? सुबह सुबह? अरे पूरा घर जाग गया है, नाश्ते की टेबल लग गई, भाभी जान बुला रही हैं। अगर तुम नहीं आई ना टाइम पर तो वो गुस्सा करेंगे। ओहो, ये तो हर वक्त ही गुस्सा आता है। जब तुम्हें पता है कि वो इस बात पर गुस्सा होंगी तो तुम जल्दी क्यों नहीं उठ जाती आखिर? यार मम्मी उन्हें तो मेरी हर बात पे गुस्सा आता है, अब मैं अपने आप को चेंज तो नहीं कर सकती ना? अरे भाई ना हो चेंज, लेकिन कम अज कम अनिका उनके सामने खुद को अच्छा साबित तो करो। ये हालत देखो कमरे की, ऐसे होते हैं क्या लड़कियों के कमरे? हद है भाई। बस उठ जाओ, भाभी जान आ जाएंगी, कयामत हो जाएगी अनिका। तो ये लड़की भी ना पता नहीं क्या क्या करती रहती है। बस यही रह गया है कि नाक कटवाएगी मेरी, और कुछ भी नहीं। 5 मिनट में आ जाओ, समझी? 10 मिनट बस। 10 मिनट? 10 मिनट कुछ नहीं, बस सिर्फ 5 मिनट और आ जाना, नहीं तो भाभी जान बहुत गुस्सा करेंगी, समझ गई? उमेर कहाँ है? कभी हमारे साथ बैठ के नाश्ता करता ही नहीं हूँ। अरे भाई आते ही होगा, आप तो बिला वजह मेरे बेटे के पीछे पड़ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये लीजिए, आ गया। वालेकुम अस्सलाम। शफीक कहाँ है? वो नाश्ता करने क्यों नहीं आया? वो तो सुबह जल्दी उठ जाता है। ताया अबू, वो बाबा का आज स्कूल में जरूरी काम था, इसलिए वो जल्दी चले गए। जितनी मेहनत तुम्हारा बाप करता है ना, गवर्नमेंट उसे उतनी तनख्वाह नहीं देती, इसीलिए तो सारी जिंदगी उसने तरक्की नहीं की। सब लोग मजाक उड़ाते हैं। मंसूर साहब, आपका भाई एक मामूली स्कूल टीचर? तायाबू, मुझे लगता है कि हम लोगों में समझ बिल्कुल ही खत्म हो गई है। मजाक तो उन लोगों का बनना चाहिए जो ना इल्म सीखते हैं और ना सिखाते हैं। जिन लोगों को इल्म की कदर होती है वो कभी भी एक उस्ताद का मजाक नहीं बना सकते, और वही लोग तरक्की भी करते हैं। उमेर तुम कहाँ थे? रात को मैं तुम्हारे कमरे में गई हूँ, वहाँ तुम तो नहीं थे। ओहो अम्मी, सो सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया। वो रात को ना दोस्त के अब्बू की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, उन्हीं के साथ रहा फिर। लेकिन मैं आ रात ही को गया था वापस। और ये अनिका कहाँ है? अभी तक नाश्ते पे क्यों नहीं आई है?
उसे तो मैंने सुबह ही उठा दिया था भाभी जान। बस आ रही होगी, मैं देखती हूँ। नहीं तुम रुको, मैं खुद जाके देखती हूँ उसे। तुम वहां क्यों खड़ी हो भाई, चाय लेकर आओ। अनिका, क्या मुसीबत है, मैंने आपको कहा भी है ना कि... ताही जान, आप ये तुम किस लहजे में बात कर रही थी? मैं मामा नहीं हूं तुम्हारी, तुम जैसी लापरवाह लड़की नहीं देखी मैंने। ताही जान क्या है ना, मैं रात को स्टडी कर रही थी इसलिए देर से उठी। फातिमा भी पढ़ाई करती है लेकिन मजाल है किसी दिन उसकी सुबह की नमाज कजा हो गई हो और फिर तुमसे अच्छे नंबर भी लेकर आती है इम्तिहान में, उसी से कुछ सीख लो। सुल्ताना तुम ही कुछ ऐसे तौर तरीके सिखाओ। जी भाभी जी। 2 मिनट में नाश्ते की मेज पर आओ। इसीलिए कह रही थी और सुबह से उठा रही थी कि तुम आ जाओ नाश्ते की। चुप हो जाएं आप तो, सुबह सुबह दिमाग मत खराब करें। क्यों चुप हो जाऊं, तुम्हें ये बात आखिर क्यों समझ नहीं आती कि हम भाईजान और भाभी को नाराज करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। भाई तुम्हारे पापा के इंतकाल के बाद यही वो लोग हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, अगर ये लोग ना होते ना रुल गए होते हम, मगर तुम्हें तो समझ ही नहीं आती। देखो अनिका, मुझे एक बात समझो, आखिर अच्छा बनने में लगता ही क्या है, फातिमा भी तो है। फातिमा नहीं हूं मैं और ना ही मैं फातिमा बन सकती हूं, समझी आप। ये लड़की, मैं तो कह रहा हूं एक बार फिर अच्छी तरह से सोच लो। अरे सोचना क्या है, जलाल को मैंने सब समझा दिया, इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहां बुलाया था। अस्सलाम वालेकुम। अरे फुरकान साहब कैसे मिजाज हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं तो ठीक हूँ। ये बताएं आप कहाँ रहते हैं, नमाज पढ़ के आ रहे हैं शायद? कहाँ जाना है मैंने फुरकान साहब, स्कूल, मस्जिद या फिर घर, ये 3 ठिकाने हैं मेरे। यार एक स्कूल टीचर इसके अलावा और कर ही क्या सकता है, कौन पूछता है इस बेचारे को। अच्छा मंसूर मुझे इजाजत हो, मैं फिर यही कहूंगा कि बराबर वाली बिल्डिंग मेन ऑफिस के लिए बेस्ट रहेगी, तुम चाहो तो शफीक से मशवरा कर लो। शफीक से? हाँ। अरे इससे मशवरा करूं मैं? क्यों मजाक कर रहा है यार। भाईजान मैंने पहले भी आपसे और अल्लाह बख्शे अब्बा जी से कहा था कि मुझे कारोबार का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं अपनी नौकरी में खुश और मुतमईन। शफी कारोबार करने के लिए समझदारी और चलाकी की जरूरत होती है जो तुम में नहीं है, इसलिए तो सारा पैसा तुमने डिबो दिया। अब मुझे देखो मैं कहां से कहां पहुंच गया और तुम एक मामूली स्कूल टीचर रह गए। लेकिन भाईजान ठीक है, मेरे पास दौलत या पैसा नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी जिंदगी से खुश और मुतमईन। चलें। आओ। निका उमेर के साथ वॉक पर गई, अभी तुम्हारे आने का बताऊंगी ना तो भागी चली आएगी फौरन। बस जल्दी से बुला लो।
मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैंने मुताहिर को कहा था कि ऑफिस से वापसी में मुझे पिक करता हुआ जाए। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, खाना खाकर जाना रात का। भाभी, खाने का तकल्लुफ नहीं चलेगा, आपको तो पता है अम्मा जी की तबीयत खराब है, उनके सारे काम मुझे ही करने होते हैं, परहेजी खाना चल रहा है उनका, आजकल तो वैसे भी इतनी चुटली हुई है, नाक में दम किया हुआ है। हे अल्लाह बेचारी, वैसे नखरे बहुत है तुम्हारी सास के। ये नसरीन भाभी भी नजर नहीं आ रही, वो कहाँ पे है? वो भाईजन के साथ शॉपिंग के लिए गई हुई है। तुम बैठो तो सही, मैं निका को फोन करके बुलाती हूँ। अच्छा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुमसे नहीं हो पाएगा। ऐसी भी कोई बात नहीं है, वो तो बस थोड़ी देर में वैसे ही रुकी थी रेस्ट करने के लिए। ऐसे तुमने अपने हालत कर ली है ना डाइटिंग कर करके, कोई हालात नहीं रहते। छोड़ दो इसे, शक्ल देखो अपनी। मम्मी का फोन। हेलो जी माँ, फूफू आई हुई है। अम्मी अब मैं नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, मैं आ रही। घर जाना पड़ेगा, फूफू आ गई हैं। वैसे उस घर की सबसे फारिग खातून फूफू ही हैं, कोई काम नहीं होने वाला। मुताहिर तो सुबह ऑफिस चला जाता है, घर में बची उनकी सास, उनके साथ तो बुराई हो नहीं सकती। उन्हें घर पे छोड़ के हमारे घर आ जाती बुराई करती। अब चलो, बुला रही। चलना है? हाँ चलो। कर दी मैंने कॉल, बस आ रही है। खुश हो जाएगी मुझे देख के। बिल्कुल, वो तो बहुत चाहती है तुमको। मुझे भी अंदाजा है। आ गई। फूफू अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। इतना मिस किया मैंने आपको, पता है? बहुत प्यारी लग रही हैं आप। फूफू किसकी हो? मेरी। अब बैठे ना। मुताहिर नहीं आया? बेटे मैंने उसे कहा था आज ऑफिस से छुट्टी ले लो, लेकिन उसे छुट्टी नहीं मिली। वापसी पे आएगा मुझे पिक करने? हाँ भाई, क्या कर सकते हैं, छोटी मोटी नौकरियां करेंगे तो अपनी मर्जी कहाँ रहती है उसमें। अच्छा हुआ आप आ गई, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। इसीलिए तो मैं आ गई, मुझे पता चल रहा था कि मेरी भतीजी मुझे याद कर रही है। दिल को दिल से राह होती है ना। अच्छा खैर, आप लोग बैठे, मैं जरा फ्रेश हो गया था। भाभी फातिमा कहाँ है? मैं कब से आई हुई हूँ, मजाले में मुझे मिलने आई हो? उसे किसी ने बताया नहीं कि पप्पू आई हुई है? अपने कमरे में ही होगी। कमरे से निकलती नहीं क्या? इतनी देर से कमरे में क्या कर रही हो? फिर भी सब उसी को मोहब्बत करते हैं और अनिका पे तनकी। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। फातिमा तुम्हें पता नहीं चला था कि पप्पू आई हुई है, या फिर पप्पू की अहमियत ही नहीं है? नहीं पप्पू, ऐसी बात नहीं है, मैं वो कुरान पाक पढ़ रही थी तो मुझे अभी शाहीन ने आपके आने का बताया। शफीक भाई ने ना बिल्कुल अपने जैसा बना लिया तुम्हें। नमाज कुरान पाक मैं भी पढ़ती हूँ, लेकिन रिश्तेदारियां भी निभाती हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी है कि रिश्तों से कट जाओ, दुनियादारी खत्म। जी पप्पू आप सही कह रही हैं, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। आप चाय पियेंगी? यहाँ मैं चाय पीने नहीं, तुम सबसे मिलने आई थी। ऐसे क्या देख रही हो? अब चाय का पूछ लिया तो जाओ, जाके चाय बनाओ। जी। अच्छा सुनो, मेरे लिए ऑरेंज जूस बना देना। बना देती। Thank you.
हम से आ गए हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते में अगर पांव थक जाएंगे जैसे ही सबसे गुंबद नजर आएगा फातिमा तुम्हारी आवाज बहुत खूबसूरत है मुताहिर तुम कब आए बस अभी अंदर पप्पू तुम्हारा कब से इंतजार कर रही है ठीक मुताहिर ये तुमने सारी जोड़ी गिरा दी तुमने मेरी I'm so sorry. देखो गलती भी तो तुम्हारी है ना तुम हर वक्त इतनी जल्दी में रहती हो शुक्र करो सिर्फ बॉक्सेस गिरे तुमने गिरी क्या मतलब है अगर मैं गिर जाती ना तो मैं तुम्हारा सर तोड़ देती सॉरी तो बोला सॉरी नहीं चाहिए तुम्हारी यार पापा से कह के ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिलवा देना प्लीज हाँ नो वर्ड बहुत मेहनत की है मैंने इसमें ऑलराइट यार ये बाइक किसकी है कोई नया मुलाजिम रखा है क्या मेरी है ये कौन है कोई दूर का रिश्तेदार ठीक चल चलता हूँ मेरी बात सुनो ये तुम अपनी खटारा भाई यहाँ क्यों खड़ी करते बाहर ही खड़ी कर दिया करो कोई नहीं लेके जाएगा इसे और वक्त आ गया इसे भेज दो अब उमेर मैंने कमेटी डाली है इंशाल्लाह बहुत जल्द नई बाइक आ जाएगी और वैसे भी अभी ये चल तो रही है जब तक वो कमेटी आएगी ना तब तक तुम हो गए बूढ़े तब तुम्हें बाइक की नहीं व्हील चेयर की जरूरत होगी सलील करवा दिया है बाबा जी बेटा आपकी चाय मेरी बेटी चाय बना कर लाई है पीकर बताएं कैसी है अभी पी लेती इसमें कौन सा वक्त लगता है मेरी बेटी के हाथ का जायका तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है बहुत मजे की चाय है बाबा वो हाँ बेटा बोलो नहीं कुछ नहीं फातिमा इधर आओ बेटा
मैंने अहमद साहब से बात की है, उधार के लिए 2 दिन में पैसे दे देंगे, तुम जाके अपनी फीस जमा करा देना बस। पापा आप उधार ले तो रहे हैं, उतारेंगे कैसे? अरे बेटा तुम इसकी टेंशन ना लो, उधार भी चुका देंगे। स्कूल में मैंने बात कर ली है, कमेटी डाली है, जो ही कमेटी खुलेगी पैसे लेकर अहमद साहब को दे दूंगा बस। पापा अगर आप कहें तो मैं तायम में। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे ताया अबू का एहसान नहीं लेना चाहता। जो मैंने किया है ना वो ठीक है, कमेटी खुलेगी पैसे चुका देंगे। अब क्या सोच रही हो बेटा? मैं सोच रही हूं अगर मेरी जगह आपका बेटा होता तो आपको सपोर्ट करता, आपका सहारा बनता, क्यों आपको परेशान नहीं होना पड़ता। इधर आओ मेरे नजदीक फातमा, तुम तो मेरे लिए जन्नत में जाने का आसान रास्ता हो, हैं? हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और बशारत दी कि बेटियों की अच्छी तरबियत सीधा जन्नत में ले जाएगी। सिर्फ तरबियत नहीं, अच्छी तरबियत है। मैंने कोई सस्ता सौदा नहीं किया, समझी ना? आप बहुत अच्छे। और तुम मुझसे ज्यादा अच्छी। चलें आप चाय पी ठंडी। मैं ऑफिस जा रहा हूं। वो अमित दादी की मेडिसिन की स्लिप भी दे दें, वापसी पर ले आऊंगा। आ रही हूं बेटा। ये लो। हाँ लाइए। सुनो ये दवाइयां सिर्फ एक हफ्ते की लाना, क्योंकि अम्मा जी को इन दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे लगता है अगले हफ्ते डॉक्टर ने चेंज कर देनी है सबकी सब। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। अच्छा एक मिनट रुको, अल्लाह मैं कैसे भूल गया, अभी आई, एक मिनट अभी आई ना। हो रहा हूं मैं। असल में ना ये मैंने पाए बनाए, जाते हुए भाईजान को देते जाना। क्या है पाए और क्या है? आप कितनी भोली, उनके घर पर तरह तरह के खाने बनते हैं, आप प्लीज उनको ये छोटी मोटी चीजें ना भेजा करें। हाँ मैं जानती हूँ मेरे भाई के घर में अच्छे अच्छे खाने रोज बनते हैं, लेकिन बहन के हाथ के बने हुए पाए उन्हें बहुत पसंद है। उन्होंने मुझे कहा था जब भी पाए बनाना जरूर भिजवाना, तो ये देते जाओ। अभी सुबह सुबह उनके घर जाकर मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहता, और आपको नहीं पता अम्मी जब भी उनके घर जाता हूँ तो हर बात पर तनकीद करते हैं। अब ऐसी भी बात नहीं है मुताहिर, वो जो भी कहते हैं तुम्हें समझाते हैं, तुम्हारे भले के लिए कहते हैं। हमें समझाने और चिताने में बहुत फर्क होता है। और दूसरी बात, आज मेरी बाइक भी खराब है, मैं खुद दोस्त के साथ जा रहा हूं, तो मैं मामू के घर नहीं जाऊंगा। ओके खुदा हाफिज। मुताहिर जरा सी तो देर लगनी थी, अल्लाह मैंने तो भजन को भी बता दिया कि पाए भिजवा रही हूँ, ये लड़का भी ना। सर मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मैं आपको कभी तकलीफ नहीं देता। परेशान होने की जरूरत नहीं है,
वसीम के साथ जो हादसा हुआ वो हमारी कंपनी में हुआ, हमारे काम के दौरान हुआ। तुम्हारा बेटा हमारा एक मेहनती वर्कर है, इसलिए उसके इलाज के तमाम अखराजात हम उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, शुक्रिया तो हमें अदा करना चाहिए कि तुमने पुलिस में कंप्लेन नहीं की। अरे तुम तो हमारे वफादार हो, असासा हो हमारा। मैं आपका यह आसान जिंदगी पर नहीं भूल। आओ बेटा आओ। बेटा वो मैंने हादसे की बात की थी ना तुमसे, ये वसीम के वालिद, आज वसीम का ऑपरेशन है, ऑपरेशन से लेके डिस्चार्ज होकर घर जाने तक के तमाम मामलात हम खुद देखेंगे। तुम इनके साथ हॉस्पिटल जाओ, ऑपरेशन से लेके होश में आने तक तुम वही रहोगे हॉस्पिटल में, समझ गए? जी बाबा ठीक है, मैं वही हूंगा, फिक्र ना करें। वो बाबा अम्मी ने कोई बात की थी आपसे? हाँ कहा था उसने, मैंने कह दिया है तुम अपनी माँ से ले लेना। ठीक आइए जी। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू बाबा। अच्छा नालायक, वसीम के हादसे वाला मामला तुम खुद हैंडल नहीं कर सके? उसका बाप घर तक पहुंच गया। बस बस कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अब आइंदा कोई भी मेरे घर ना आए, समझ गए तुम? सब अस्पताल आ गए। हाँ तो मैं क्या कोई अंधा हूँ कि मुझे नजर नहीं आ रहा? इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं आपके साथ आके वहाँ अस्पताल में बैठूं। अपना फोन दीजिए, फोन दीजिए मुझे, अपना फोन दीजिए। लेकिन साहब ये मेरा नंबर है और ये पैसे पकड़े। साहब कोई भी मसला हो तो मुझे कॉल कर देना, और हाँ बाबा का फोन आए ना तूने कहना कि मैं रोज यहाँ चक्कर लगा रहा हूँ। चले अब उतरे। ठीक ठीक है सर। हेलो जी बाबा। जी जी हॉस्पिटल में हूँ, हॉस्पिटल में। हाँ जी 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 अल्लाह का शुक्र सब सेट है। हाँ जी ओके। ये क्या कह रही हैं आप? मैंने तुम्हें कह दिया है मैं आज भाईजान के पास जा रही हूँ तुम्हारा रिश्ता मांगने, क्योंकि अनिका मुझे बचपन से बहुत पसंद है। अम्मी मैं अभी अनिका से शादी नहीं कर सकता। क्यों? कोई और पसंद है क्या? कौन पसंद है? और नाम बताओ मुझे, मुझे बताया क्यों नहीं? अम्मी ऐसी बात नहीं है। फिर क्या बात है? अम्मी अभी हमारे हालात तो देखे, मैं एक और फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकता। थोड़ा मेरी जॉब बेहतर हो जाए तो मैं शादी कर लूंगा। मैं तुम इसकी फिक्र मत करो, मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी अनिका से शादी होगी ना भाईजान तुम्हें खुद सपोर्ट करेंगे। अनिका उनकी बहुत लाडली है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाईजान के पास किसी चीज की कमी नहीं है, और वो अनिका को किसी चीज की कमी होने नहीं देंगे। अनिका हम सबकी लाडली है, और तुमने एक बात और लूट की,
अनिका कैसे फुफो फुफो कहती आगे पीछे दौड़ती है मेरे। और तो और मुझे लगता है वो तुम्हें भी पसंद करती है। बस मैं तो आज भाईजान के पास तुम्हारा रिश्ता लेके जा रही हूँ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। जी तेरा, मुझे अपने बेटे से यही उम्मीद थी। मेरा प्यारा बेटा।